नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए SSC के लिए मॉक टेस्ट यहां पर लेकर आए हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन शामिल हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। दोस्तों प्रत्येक दिन अगर आप यह मॉक टेस्ट देते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर इसमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसमें से सही करके आप आओगे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फायदा यह होगा कि अब प्रत्येक दिन एसएससी के लिए इस पर मॉक टेस्ट डाला जाएगा। और दोस्तों समय कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट आपको इसमें देखने को मिलेंगी, यानी कि 10 मिनट में मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा और आप सभी विषय से 25 क्वेश्चन यहां पर डाले जाएंगे और आपका सभी विषय का रिवीजन होता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा का मकबरा लाहौर में स्थित है? 5 सेकंड आपको सोचने का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। इसका आंसर है बी, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर है बी, 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन में अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार का बिल पेश किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, संवैधानिक संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? इसका सही आंसर है ए, मनुष्य। मनुष्य जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन, केलप है इसका सही आंसर है सी, केलप क्या होता है? आयोडीन सामग्री में स्मर्द समुद्री शैवाल जो होता है उसको केलप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन एक है इसका सही आंसर है गंध रहित गैस। ब्यूटेन जो होती है वो एक गंध रहित गैस होती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड को के रूप में दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, वाट के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, ऐसी कौन सी गैस है? इसका सही आंसर है बी, ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ए, मीटर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नीचे इस प्रकार से एग्जाम स्टूडियो लिखा हुआ है, अभी तक 9000 बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। और दोस्तों इसका फायदा आपको यह मिलेगा कि इस चैनल पर प्रतिदिन एसएससी का मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा और आप आराम से उसको सबसे पहले देख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बियर और बुल शब्द कहां इस्तेमाल किया जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शेयर बाजार में बीयर और बुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का ठंडा मरुस्थल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, केंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है? इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में केंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है डी, आर एस टॉमलिसन ने। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ए, अरुधंती रॉय। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ की मौद्रिक इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन, जल में ध्वनि की गति को प्रभावित कौन कौन करते हैं? इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों करते हैं, घनत्व और शांतता जल में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है डी, गांधी आश्रम। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, सेवाग्राम है ये, भारत में स्थापित किया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ये भारत में नहीं है। गांधी आश्रम है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड लिन लिथगो, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लासलगांव शहर जिसे एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार के रूप में जाना जाता है, यह कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? इसका सही आंसर है डी, 73वां संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका सही आंसर है डी, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का अर्थ किसके बीच सहयोग है? इसका सही आंसर है ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पानी में सबसे अधिक घुलनशील है इनमें से क्या है? सबसे अधिक घुलनशील पानी में, इसका सही आंसर है डी, चीनी सबसे अधिक घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है वो है डी, सूरज की रोशनी, पानी, परणहरित, उपरोक्त सभी, इन सभी चीजों की प्रकाश संश्लेषण को आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, पालक की पत्तियां स्मरण स्रोत है,
तो पालक की पत्तियों में सभी स्रोत मिलते हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं, विटामिन ए, आयरन और विटामिन ई, तीनों चीजें पालक की पत्तियों में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, किसी भी अपने मित्र से जरूर शेयर करें ताकि वो भी मॉक टेस्ट लगा सके तथा इनका फायदा उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, धन्यवाद।